दोस्तों, इससे पहले आपने XUV700 की काफ़ी सारी इमेजेस देखी होंगी, लेकिन आपने अभी तक इसके रियर में एक्स सेफ LED टेल लैम्प को नहीं देखा होगा, जो कि रियर से देखें तो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है। और इसकी इतनी ज़्यादा डिफरेंट LED टेल लैम्प को बनाने का कारण यही है कि अगर आप इसको रियर से देखें तो हर कोई पहचान जाए कि हाँ भाई, ये एक XUV700 जा रही है। कंपैरिजन में MG हेक्टर, ट्रा सफारी और हुंडई अल्काज़ार से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है। और इसकी टेल लैम्प का कुछ भाग इसके टेल गेट पर और कुछ भाग इसके बॉडी पर दिया हुआ है। दोस्तों, कुछ स्पाइस शॉट्स और वीडियोस को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि XUV700 की जो लॉन्चिंग है जल्दी ही होने वाली है। कुछ ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग इसकी जो टेस्टिंग और लॉन्चिंग को देखें तो इसकी जो लॉन्चिंग है वो 15 अगस्त को हो सकती है और आप इसको अक्टूबर के महीने बुक करवा सकते हैं, क्योंकि महिंद्रा ने अपनी थार को भी 15 अगस्त को लॉन्च किया था और उसकी बुकिंग्स भी 2 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुकी थी। और दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि XUV700 के अंदर आपको 8 ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंट फीचर्स मिलने वाले हैं। आखिरी फीचर्स कौन कौन से हैं, ये सारे फीचर्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इससे पहले बात कर लेते हैं कुछ क्लियर पिक्चर्स के बारे में। और मेरा मानना तो ये है कि XUV700 अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा हाईटेक SUV होने वाली है, जिसने सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। और मैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स आने वाले हैं वो फर्स्ट इन सेगमेंट हैं। और कई भाइयों ने तो इसकी बहुत सारी टीजर वीडियोस भी देखी होंगी। 8 ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स कौन कौन से हैं? पहला है ADAS, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, और दूसरा है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और तीसरा फीचर्स है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, और चौथा फीचर्स है ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्टर, और पाँचवा फीचर्स है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, और छठा फीचर्स है लेन कीप असिस्ट, और सातवां फीचर्स है हाई बीम असिस्ट LED लाइट्स, और सबसे आखिरी फीचर्स की बात कर लें वो 8 फीचर्स, उसका नाम है पर्सनलाइज स्पीड वार्निंग सिस्टम। महिंद्रा अपने XUV700 के अंदर 8 हाईटेक फीचर्स के साथ XUV700 को लॉन्च करने वाली है, मतलब कि XUV700 फुल्ली हाईटेक फीचर्स के साथ लॉन्च होगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है और जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट भी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। महिंद्रा ने ऑफिशियल तौर पर बताया है कि यह कार फर्स्ट इन सेगमेंट होने वाली है हर किसी तरीके से फीचर्स के मामले में। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इसके अंदर आपको 2.2 लीटर का MHawk डीजल इंजन मिलने वाला है, और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इसके अंदर आपको 2.2 लीटर का MHawk डीजल इंजन मिलने वाला, जो प्रोड्यूस करेगा 180 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क। और दूसरा है 2 लीटर का टर्बो चार्ज M-Stallion TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा 190 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है कंपेरिजन में टाटा सफारी, हुंडई अल्काज़ार और MG हेक्टर के, और यहाँ तक कि जीप कंपास से भी ज़्यादा पावरफुल है ये इंजन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे।